नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। गगरेट से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। गगरेट में पुलिस चेक पोस्ट के पास अज्ञात वाहन ने कुचल दिए 3 पुलिस जवान। आपको बता दें कि बीती रात शाहपुर मार्ग पर लगाए गए नाके के दौरान ड्यूटी देने जा रहे 3 पुलिस कर्मियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वाहन मौके से फरार हो गया। तीनों पुलिस कर्मियों को कुछ दिन पहले ही ऊना जिला में 4th IRB बटालियन में तैनाती मिली थी और बीती रात करीब 10:30 बजे तीनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी के लिए गगरेट होशियारपुर नाके पर जा रहे थे कि पूरी पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों की पहचान मनोज कुमार, शिवम और विशाल के रूप में हुई है और ये तीनों जिला हमीरपुर के बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 पुलिसकर्मी भोरंज और एक बड़सर से संबंधित है। COVID-19 नाका जो लगाया गया है उस पर तैनात अध्यापकों ने जब जोर का धमाका सुना तो वे मौके पर पहुंचे। जब वे वहां पर पहुंचे तो देखा कि 3 पुलिसकर्मी जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। आई कार्ड से उनकी पहचान हुई तो पता चला कि ये तीनों पुलिसकर्मी हैं। उसके बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लाया गया तो 3रे पुलिसकर्मी ने भी दम तोड़ दिया। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने जो हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित टोल टैक्स का जो नाका है वहां से भी फोटो खंगाली और 5-6 गाड़ियों को भी शॉर्टलिस्ट किया है और फिलहाल पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम को खंगालने के लिए एक टीम तैनात कर दी है जो 3 पुलिसकर्मियों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रवाना हो गई है। कार्यकारी DSP मनोज चंबाल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में निकल चुकी है और जल्द ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।